श्रीराम श्री सीता श्याबल चंद्र की जय लोकाभिराम राडरङ्गीरम् राजीवनेत्रं रघुवशनाथम् कारुणों रूप करुणा करण तो श्री रामचंद्रम शरणों प्रप दे बोले श्यावल रामचंद्र की जय सबका बहुत बहुत स्वागत है ये जो सत्र है इसमें यात्रा है एक यात्रा ये है जो आप करके यहाँ आए हैं एक यात्रा और है जो शब्दों से है मंत्रों से है जिससे कथा आप तक पहुंचती है राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सो जान नहारा राम के लिए एक ही शब्द है और वो है प्रेम राम को जानने के लिए अनुराग होना बहुत जरूरी है आप बहुत तपी हैं योगी हैं लेकिन ठीक है वो अपनी जगह है लेकिन अनुराग के बगैर प्रेम के बगैर जानना या समझना वहां तक पहुंचना बहुत दूरी है जो हमारे साथ आज इस सत्र में मौजूद हैं, ये वही लोग हैं जो रास्ता बताते हैं रास्ता दिखा सकते हैं वहां तक पहुंचना हमारा अभीष्ट है आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी आध्यात्मिक विचारक हमारे साथ मौजूद हैं। मानस मर्मज्ञ मानस की पंक्तियां और वो जो ऐसी कथा जिसको कि पूरी दुनिया में गागा के गाया जाए बताया जाए ऐसी मानस की पंक्तियों के साथ वो यात्रा यहां इस वक्त प्रारंभ होगी स्वामी प्रणवपुरी जी महाराज महाकाल लोक उज्जैन से आप आए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं तमाम सारी यात्राएं हैं जो यहां यात्राओं का जो संगम है यहां पर मौजूद है और सारे बड़े विशेषज्ञ लोग यहां पर मौजूद हैं मैं आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी को कहता हूं कि जहां से मैंने एक पंक्ति उठाई वहां आपके पास सागर है मैंने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जान नहारा। जी महाराज सुंदर पंक्ति आपने रख दी है ये सूत्र है भगवान श्री राम की ओर बढ़ने का भगवान का अपना जो नाम है श्री राम उस राम शब्द की मूल क्रिया ही प्रेम से जुड़ी हुई है उसका तात्पर्य यही है व्याकरण में क्रीडा के अर्थ में उल्लास और उत्साह के अर्थ में पर एक महत्वपूर्ण शब्द है उस पंक्ति में जुड़ा हुआ जो आपने कहा है राम ही केवल प्रेम प्यारा ये एक घोषणा है श्री राम के विषय में एक प्रतिज्ञा का उद्घोष है प्रेम तो संसार में सर्वत्र देखा जाता है फिर ऐसा कौन सा प्रेम है जो श्री राम के लिए प्रिय होता है और हमें श्रीराम की ओर ले जाता है संसार का जो नाम रूप का ये अनंत विस्तार है ये सारा ही प्रेम से भरा हुआ है पर इस प्रेम की कोई एक ऐसी उत्कृष्ट प्रजाति है जो जीव की को ईश्वर के सम्मुख कर देती है और प्रेम की उस प्रजाति को अभिव्यंजित करते हुए गोस्वामी पाद ने कहा प्रेम मात्र नहीं केवल प्रेम और आगे उसका विस्तार करते हुए एक दोहे में कहा नहीं केवल प्रेम केवल कहने से स्पष्ट नहीं होता हो ऐसा प्रेम जो आपको कैवल्य की अवस्था में ले जाए ऐसी प्रीति जहां श्री राम के अतिरिक्त कुछ भी और शेष नहीं रहे मात्र श्री राम की ही प्रती शेष रहे गोस्वामी जी के एक दोहे से इस बात को आपकी इस पंक्ति का विस्तार देता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि बने तो रघुबर से बने के बिगरे भरपूर तुलसी बने जो औरतें ता बन पे धूर हम संसार में जिससे भी हित सद है उससे प्रीति करने को प्रस्तुत हैं, तो यह प्रीति हमें श्री राम से नहीं जोड़ती है जब ऐसी प्रीति श्रीराम से हो कि संसार शून्य हो जाए ऐसी प्रीति जगह की संसार में किसी और पदार्थ की कामना शेष नहीं रहे तो वह पंक्ति घटित होती है जो आपने पढ़ी है राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जिनको श्री राम से प्रेम हुआ है वे विभीषण हों वे सुग्रीव हों वे भालु हों उन्होंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया है केवल श्री राम का वर्ण किया है क्योंकि भगवान कैवल्याधिपति हैं एक बड़ी मशहूर कहावत है इंग्लिश में जो अपने जीवन में ईश्वर को दूसरे स्थान पर बिठाता है वो असल में उसे विस्थापित करता है क्योंकि मनुष्य के जीवन में परमात्मा सदैव प्राथमिक है कभी द्वितीयक नहीं हो सकता है तो जो श्री राम को प्रेम करता है संसार की बाकी सारी अतृप्तियाँ आकांक्षाएं कुंठाएं उससे निवृत्त तो हो जाती हैं श्री राम को पाने के बाद कुछ और पाना श्रेष्ठ नहीं रह जाता महाराज जनक के दूतों ने झलक भर देखी है राम जी की और अयोध्या आए हैं संदेश लेकर के महाराज दशरथ ने उनसे पूछा है हमारे बच्चे कैसे हैं तुमने देखा है एक निगाह जिन दूतों ने श्री राम को देखा है वो कहते हैं महाराज हमने देखा है और उस देखने का प्रभाव ऐसा है कि देव देख तब बालक दो अब न आखे तर आवत को हमने ऐसे देखा है उनको कि अब और किसी को देखने की लालसा हमें शेष नहीं रही महाराज जी फिर प्रश्न ये एक और खड़ा हो जाता है और इसको ऐसे ही मतलब इसको सिर्फ पत्रकार की दृष्टि से नहीं जो मानस को पढ़ते हैं और सवाल इसलिए प्रश्न इसलिए कि लोगों को वो अंतर वो भेद स्पष्ट हो तो सूप नखाने भी तो राम को देखा बहुत अच्छी बात है वो भी तो प्रेम ही था उन्होंने कहा कि मैं आपको पाना उन्होंने कहा कि मैं तो पाना चाहती हूं तुम सुम परुष नमम सब नारी तो तुमसे ऐसा ना तो कोई पुरुष है वरना मेरी जैसी नारी तो प्रेम तो वहां भी है तो फिर वह भेद कैसा है यही 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 पंक्ति है जिसके रहस्य में आपको जाना है शूर्पणखा को श्रीराम से जो प्रीति हुई है यद्यपि वह राक्षस भाव होने के कारण उसकी चेतना कुंठित है लेकिन इतनी बात तो उसे भी समझ में आ गई है कि महाराज हम जिसको पुरुष कह करके समझ रहे हैं वह असल में आप पुरुष नहीं हैं पुरुषोत्तम है और मैं जो अपने को नारी कहकर प्रकट कर रही हूं मैं नारी नहीं हूं मैं राक्षसी हूं मैं बन करके नारी आई हूँ तो हम दोनों में क्या समता है कहा जैसे आप पुरुष नहीं है पर अपनी कृपा के वशीभूत पुरुष बनकर के विचरण कर रहे हैं माया मनुष्य हरि कहा गया है हा, हा। ऐसे वो कहती है कि मैं भी नारी नहीं हूं मैं नारी बन करके यहां माया से विचरण कर रही हूं। आपने भी माया को अधिग्रहित करके उसके बल पर पुरुष का वेश धारण किया मैंने भी माया का ही उपयोग करके स्त्री का वेश धारण कर लिया है तो मैं आपकी कृपा की पात्र हूं लेकिन शुरूपणखा का प्रेम में एक पंक्ति में आपको महर्षि वाल्मीकि की ओर ले जाऊंगा क्योंकि गोस्वामी जी महाराज बिना उनके प्रसाद के अपने अर्थों को व्यक्त नहीं करते केवल मानस न देखें शूरपणखा को देखें कि श्री राम के सामने आकर प्रणय निवेदन करके अपराध करके जानकी जी पर हिंसा की चेष्टा करके नाक कान कटवा करके जब रावण के सम्मुख पहुंचती है तो एक स्त्री किसी पुरुष के द्वारा विरूपित की गई है तो कह सकती थी कि ये असभ्य हैं, ये दुराचारी हैं इन्होंने कुचेष्टा की है इन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया है पर आप देखिए भला कि शूरपणखा परिचय क्या देती है तरुणों रूप संपन्नों सुकुमारो वे दोनों किशोर बड़े सुकुमार हैं जिन्होंने हमारी नाक कान काट लिए हैं कौन मानेगा ये कि जिसके हाथों नाक कटा के आए उसको सुकुमार कहें और महाबलो पुंडरीक विशालाक्ष कमल नेत्र हैं चीर, चीर कृष्णा जिनाम्बरो पुरुष के द्वारा अत्याचार सह करके आई हुई स्त्री कह सकती थी कि उनके भीतर कोई चारित्रिक दोष है पर वो कहती है फलमूलाशिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिण फल मूल खाने वाले मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाले वो दोनों ब्रह्मचारी हैं ये शूरपणखा प्रथम दृष्टि में श्री राम को देख करके समझ गई है उनको यह बिना प्रेम के समझ में आने वाला नहीं है प्रणव जी बहुत सुंदर आपने चर्चा प्रारंभ की राम ही केवल प्रेम प्यारा प्रसंग आता है भैया कि जब प्रभु श्री राम राज्य अभिषेक करके और अयोध्या जी में आ गए तो माता कौशल्या ने यह विचार किया कि मेरा पुत्र चौदह वर्ष बाहर रहा है और एक माता जैसे अपने पुत्र को हाथों से अपने खिलाने की इच्छा होती है जब हॉस्टल भी पुत्र जाता है तो टिफिन बना के भेजती है कुछ नमकीन भेजती है तो माता कौशल्या को लगा कि आज श्रीराम को मैं अपने हाथों से भोजन कराऊंगी और उन्होंने भोजन कराया और कराने के बाद पूछा इसको थोड़ा तेज कर दीजिएगा भैया माइक अगर कहीं हो ना साउंड थोड़ा साउंड सा थोड़ा सा तेज कर दीजिएगा तो कराने के बाद पूछा की श्रीराम आपको ये कैसा लगा तो श्रीराम ने कहा कि मैया बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगा लेकिन वो बात नहीं लगी तो अब माता अरुंधति को यह बात मालूम पड़ी गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अलप काल विद्या सब आई तो माता अरुंधति ने सोचा कि गुरुकुल में रह के श्री राम ने मेरे हाथों का कोई व्यंजन ऐसा कर लिया होगा जो उनको अच्छा लगा तो माता ने भोजन कराया गुरु माता ने राम कैसा लगा माता बड़ा स्वादिष्ट है किंतु वो बात नहीं है अब तो हल्ला हो गया मिथिला नगरी तक बात चली गई और जनकपुरी में बहुत दिवस है पहुनाई बहुत समय तक बारात रुकी थी तो जनक जी ने उसी प्रकार से सारे रसोइयों को बुलाया और बुलाने के बाद वही व्यंजन फिर से बना के पूछा श्री राम कैसा लगा पिताजी बड़ा स्वादिष्ट है लेकिन वो बात नहीं आई अब तो पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया कि ऐसा कौन सा स्वादिष्ट भोजन भगवान ने कर लिया जो कह रहे हैं वो बात नहीं तो इसकी पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में कहते हैं कि घर गुरु ग्रह प्रिय सदन भाई जब जहां पहुनाई जहां जहां आतिथ्य सत्कार हुआ कैसा लगा भोजन केवल एक ही बात तब कहा सबरी के फलन की रुचि माधुरी न जानत प्रीति रीति रघुराए भगवान प्रेम की रीति को समझते हैं एक और पद इसमें गोस्वामी जी लिखते हैं वशिष्ठ जी महाराज श्री राम के उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्म स्वरूप का कि सहज स्वरूप कथा मुनि भरनत तो भगवान ने अपना माथा झुका लिया और नीचे देखने लग गए अच्छा नहीं लग रहा उनको सकुची रहे सिरुनाई तो प्रभु क्या सुनना चाहते हो कहते हैं गुरुदेव वही मेरी मित्रता मेरे प्रेम की कथा सुना दीजिए कहे मानत बानर बंधु बड़ाई जानत प्रीति रीति रघुराए तो भगवान को तो केवल प्रेम पसंद है जैसा आपने राम ही केवल प्रेम प्यारा प्रसंग रामचरित मानस का ही आता है जो चौपाई आपने कही उसी पे मैं चर्चा करूंगा आगे आगे उसका वर्णन है मैं प्रसंग बस सिर्फ छेड़ता हूँ सरयू के तट पे बैठा हूँ तो वो प्रसंग भी आता है जब केवट है और वो केवट है वो भी प्रेम है और लेकिन वो प्रेम में मांगता है उनसे कहते है, मुझे तो दे के जाए तो ये कैसा प्रेम है फिर कि प्रेम में मांग ले कोई प्रेम में तो दिया ही जाता है फिर ये कैसा है कि वो प्रेम में मांग रहा है प्रभु से बहुत बहुत प्यारा प्रसंग आपने रखा है लेकिन इसको करेक्ट करने की जरूरत है जी। केवट वो नहीं है जिसने मांगा है केवट वो है जिसने दिया हुआ भी लौटा दिया है कि महाराज मैं तो पहले ही तृप्त हूं प्रेम की क्रिया क्या है हमें यह समझना होगा जो प्रभाव से उत्पन्न होता है वो आकर्षण है वो भूख है वो जरूरत और आपूर्ति है जो स्वभाव से उत्पन्न होता है वो प्रेम है वाह ये हमें इसका अंतर पहचानना होगा और भगवान श्री राम के सम्मुख पड़ने के बाद केवट के भीतर प्रीति जगी है इसलिए उसने मजदूरी नहीं मांगी है कहा हमें आपके चरण पखारने और ये मांगना प्रेम का अधिकार है ये लेने और देने जैसा विषय नहीं है क्योंकि जिस समय वो ले रहा है उसी समय कुछ दे भी रहा है और समझना ये होगा कि भक्ति शास्त्र के आचार्यों ने यह कहा है कि जो कुछ भी आदान करे वो प्रेम है ही नहीं सतु तो प्रदान मात्रम प्रेम का तात्पर्य है जो केवल देना ही देना जानता है कभी उससे कुछ रिटर्न आएगा इसकी कल्पना भी उसके भीतर नहीं होती तो केवट ने कुछ नहीं मांगा चरण पखारे और मैं रहस्य की एक बात कहकर यह प्रसंग छोड़ूंगा जब पार उतर करके गए हैं तो प्रभु सकुचे भगवान को संकोच है कि इसे कुछ देना चाहिए केवट कहता है महाराज अभी भी आप हमारे हृदय का मर्म नहीं पहचान पाए यदि मैं आपका प्रेमी ही हूं तो क्या लेना देना शेष रह गया है कुछ नहीं चाहिए और एक निर्धन केवट जिसने कहा था कि मेरे घर में पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे घर में पत्तल भर मछली है छोटे छोटे बच्चे हैं कोई दूसरी आजीविका नहीं है इसी नाव के सहारे परिवार पालता हूं वो कहता है मुझे मजदूरी नहीं चाहिए लेने वाला अकेला देने वाले तीन बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले तो जब उसने कुछ नहीं लिया तो भगवान ने क्या दिया विदा की जो कुछ भी और चाहता है श्री रघुनंदन से उसको वो सब कुछ कई गुना करके दे देते हैं और मुक्त कर देते हैं और जो कहता है आपसे आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए उसको अपने आप को सौंप देते हैं केवट को तो बिना मांगे भगवान ने भक्ति प्रदान कर दी है प्रेम प्रदान कर दिया है क्योंकि उनके राजकीय वैभव का एक कण भी उसने लेने से मना कर दिया प्रेम वो जो तृप्त करता है सारी भूख से प्यास से और अभावों के बोध के बाहर निकाल देता है वो प्रेम है इसलिए श्री राम को प्रेम प्रिय है कि मनुष्य अपने अभावों की कुंठा के बाहर निकल आवे और ये जब शिखर पे पहुंचता है तो हनुमान जी प्रकट होते हैं वो राम और हनुमान का जो प्रेम है वो जो उसके बीच में जो जो कोई है ही नहीं कुछ है ही नहीं तो वो जो प्रसंग है वो वो उसका एक और उदात तो उदाहरण है बिल्कुल आपने सुंदर बात कही जब हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज करके वापस आए तो देखिए प्रेम का एक स्वरूप यह भी होता है कि आप अपने आदरणीय से प्रेम करते हैं आदरणीय आपको वात्सल्य प्रदान करता है किंतु वो मर्यादा बीच में रहनी चाहिए hmm. कहीं hmm. हनुमान जी महाराज ने प्रभु के साम उस मर्यादा साथ उस मर्यादा को नहीं तोड़ा प्रसंग आता है जब माता जानकी से बात करके हनुमान जी वापस प्रभु के पास जाने लग गए तो हनुमान जी ने कहा माता ऐसा है कि जब मैं यहां आया था तो प्रभु से आपकी मुंदरी इस कारण लेकर आया था कि कहीं आपको संशय ना हो जाए कि मैं रावण का ही कोई माया भी बाना दी हूं तो माता मैं वापस जा रहा हूं आप कोई ऐसी साथ में वस्तु दे दीजिए कोई ऐसी बात बता दीजिए कि प्रभु भी ऐसा ना सोचे कि हनुमान जी यूं ही आ गए तो चूड़ा मणि थी लेकिन कहा माता अभी आपने संशय किया मुझे रामदूत में मातु जानकी कहना पड़ा तो आप कुछ और ऐसी बात बता दीजिए जो केवल आप दोनों के बीच में रही हो देखिए माता जानकी क्या सुंदर हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी ऐसा करना तात सक्रसुत कथा सुनायो। बानो प्रताप प्रभु ही समझायो वो जो जयंत ने मेरे चरण में चोच मारा था ना सीता ही चरण चोच हती भागा मूड मंद मती कारण कागा वो कथा सुना देना एक क्षण में प्रभु ने बाण निकाल लिया था और देखो मैं यहाँ पे बैठी हूँ अभी तक प्रभु का बाण नहीं चल रहा जाके कथा सुनानी है लेकिन साथ में संकोच भी है कि पति पत्नी के बीच की बात है प्रभु को यह स्मरण दिलाना है कि प्रभु बाण चलाइए हनुमान जी महाराज प्रभु श्रीराम के पास जाते हैं प्रभु कहते हैं एक बात बताओ हनुमान जी कैसी है जानकी जी आप कुछ उसका उनकी उसकी स्थिति बताइए माता जानकी की तो कहते हैं देखो प्रभु ऐसी स्थिति है जैसी स्थिति आप एक बार देख चुके हैं माता जानकी की देखिए संकेत दे रहे हैं कहा देखी बोले प्रभु जिस समय आप धनुष उठाने जा रहे थे यज्ञ का प्रकरण है और प्रभु चले जा रहे थे तो गोस्वामी जी ने लिखा सहज ही चले सकल जग स्वामी मत तो मंजूवर कुंज कुंजरगा जैसे मदमस्त हाथी चलता है और वहां सबकी धड़कने बढ़ रही थी कि जल्दी धनुष उड़ जाए तो माता जानकी की क्या स्थिति थी गोस्वामी जी लिखते हैं बेपुल बेकल बिलो की बय निमिष बिहात कलप ही एक एक क्षण कल्प के समान निमिष निमिष जा रहा है तो कहा प्रभु वही स्थिति आज भी है कि निमिष निमिष करुणानिधि निधि ही कल्प समुदीति बेगी चली प्रभु रिपुदल खल बल जीती एक छोटी सी चौपाई संकेत जो मर्यादा की हनुमान जी की तो कहा हनुमान जी आप कहना क्या चाहते हैं कहा माता जानकी ने आपको संदेश दिया है नाथ जुगल लोचन भरी बारी दोनों नेत्रों में आंसू भर के तो हनुमान जी से प्रभु श्याम ने कहा अरे एक बात बताओ सभी दोनों आंखों से रोते कौन है ऐसा जो एक आंख से रोता है हनुमान जी का नहीं प्रभु एक ऐसे सज्जन हैं जिनकी आपने एक आंख फोड़ दी है याद करिए वो एक नयन करी तजा भवानी आप स्मरण करिए तो बचन कहे कछु जनक कुमारी तो संकोच और प्रेम साथ में जब होता है तो प्रेम की प्रगाढ़ता और बढ़ती है प्रसंग तो इतने हैं जो भैया ने उठाया लेकिन समय के सच ये है कि प्रेम का एक और उदात तो उदाहरण ये है कि कथा वही है कहने वाले भी सब वही हैं सुनने वाले भी सब वही हैं लेकिन प्रेम देखिए सारे मर्मक के सामने बैठे हैं सारे प्रसंग जानते हैं लेकिन फिर भी सुनने के लिए आ तो रहे हैं ये भी एक प्रेम का उदाहरण है आ, जी। लोग ऐसे अवसर पर अयोध्या में बैठे हैं जी ये मार्गशीर शुक्ल पक्ष है और कल हमारे युगल सरकार का विवाह महोत्सव होना है आज मटकोर हो रहा है हमारी श्री किशोरी जी सखियों को साथ लेकर कमला जी का पूजन करने जा रही हैं हम प्रेम की सारी कथाएं कह दें तो झूठी हो जाएंगी यदि हम इनके युगल के प्रेम की चर्चा नहीं करें सारी अयोध्या वाटिका मना रही है एक ऐसा प्रेम है श्री राम के जीवन में जो उनकी अभिरामता को प्रकट करता है जो उनको श्री राम बनाता है और उनकी जो रम्यता है उसको इस लोक पर जाहिर करता है और वो है महाराज जनक की पुष्प वाटिका में मालियों की अनुमति लेकर के दोनों भाई हाथ में दोना लिए हुए तुलसी पुष्प चुनने गए हैं और पहली बार उनके कान में किसी के पायल की घुंघरुओं की ध्वनि आई है तो सिहर गए हैं राजकुल में भगवान का प्राकट्य हुआ है तो पहली बार पायल की ध्वनि सुनाई पड़ रही हो ऐसा नहीं है माताओं ने पालन किया है कोई बाबा जी के आश्रम से तो निकल कर नहीं आए हैं लेकिन जब आज उनको सुनाई पड़ती है वो ध्वनि तो गोस्वामी पाद कहते हैं कि कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि सोनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी बहुत बार घुरु सुने हैं लेकिन आज की इस ध्वनि में जो नशा है इसमें जो मदिरा है मानो मदन दुंदु भी दीन ही और पहली बार ऐसा होता है जब धर्म विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कोई चीज प्रिय लगी है और उस प्रियता के साथ एक संकोच एक माधुर्य और लावण्य का ऐसा मिश्रित रूप जिसमें उन्हें इस बात की भी चिंता है कि कहीं यह प्रियता मुझ पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा देगी अपने मन को टटोलते हैं और कहते हैं मेरा मन जो आज तक कभी किसी विषय को लेकर के विकल नहीं हुआ एक ऐसी प्रीति जो श्रीराम को द्रवित करती है अभिभूत करती है और भूल जाते हैं कि मेरे साथ मेरा अनुज है और एक राजकुमारी के सौंदर्य की चंद्रमा के साथ उपमा करने लगते हैं सराहना करने लगते हैं और ये प्रेम उनके हृदय में यही वह प्रेम है जो मानव जीवन को सबसे अधिक आक्रांत करता है प्रभावित करता है आकारित करता है और परिवर्तित कर देता है सामान्यतः पूज्य चरण सन्यासी महानुभाव भी विराजमान है उनके लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ स्वामी जी जितेदानंद जी महाराज बैठे हैं और सारे संत बैठे हैं इनको तो किसी और विलक्षण ही वह केवल प्रेम है जो इनको इधर ले आया है लेकिन एक प्रेम वो है जो हमारे यहाँ युगल का प्रेम है और जिसके कारण श्री राम की वो रम्यता प्रकट होती है कि वेदों के मंत्रों के द्वारा जो परमात्मा तृप्त होता आया था वो गालियां सुन सुन करके धन्य होता है क्योंकि श्री जानकी ने उनके भीतर वो प्रेम का अंकुरण कर दिया है और उस प्रेम का अनुभव करने का परिणाम ये है मैं ये बात जरूर जोड़ता हूं हम लोग कहते हैं ये प्रेमावतार हैं वो प्रेमावतार हैं भारत में केवल श्री राम प्रेमावतार हैं जिनके विषय में गोस्वामी जी ने दर्ज किया व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद वो परमात्मा जो जगत का पिता है सो सोज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद वो परमात्मा जो प्रेम के कारण जगत पिता होने पर भी पुत्र बनने को प्रस्तुत होता है और इसके साथ जब अयोध्या से जाने लगते हैं तो वो प्रतार घाट साक्षी है श्री राम कहते हैं मैंने अयोध्या वासियों को अपने पीछे आंसू बहाते देखा है और अपने प्रियजनों को अपना कर किसी को आंसू बहाते छोड़ जाए उससे निष्ठुर दूसरा कोई हो नहीं सकता अब तो मैं दिव्यधाम जाऊंगा तो इस सारी अयोध्या आबाल वृद्ध नर नारी कीट पतंग पशु पक्षी सब मेरे साथ जाएंगे ब्रह्मा हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं महाराज ये विधान नहीं है ऐसा कभी हुआ नहीं है श्री राम ने कहा तो आज विधान बनेगा आज वैकुंठ की पुनर्सृष्टि होगी और ये सारे लोग मेरे साथ जाएंगे भगवान श्री राम ने मृत्युलोक में एक बार न भूतो न भविष्यती न उसके पहले कभी हुआ न उसके बाद कभी हुआ सारी अयोध्या राजधानी के समस्त लोगों को अपने साथ ले गए क्यों ये मेरे प्यारे हैं और प्रियजनों को छोड़ जाना पीछे ठीक नहीं है भगवान की तो सारी लीला प्रेम से प्रारंभ होकर और प्रेम पर जाकर ही परिपूर्ण होती है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद आप दोनों का श्री राम से जुड़े हुए हर प्रेम स्वरूप को बहुत ही खूबसूरती से आपने सबको समझाया हमारा अनुरोध है कृपया मंच पर बने रहे क्योंकि न्यूज एटीन आपको सम्मानित करना चाहता है और उसके लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी एडिटर न्यूज एटीन इंडिया एंड हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी को कृपया वो मंच पर आए और हमारे मेहमानों का धन्यवाद करें Yeah